बनाएंगे मलाई कुल्फी। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक अच्छे तरह से उबालेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, दूध बहुत अच्छे तरह से गाढ़ा हो चुका है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप शक्कर। तो यहाँ पर मैंने 1 कप शक्कर ली है, 200 ग्राम है। इसे भी इस तरह से मिक्स कर देंगे। अभी मैंने गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है। अभी हम 4 से 5 मिनट तक इसे उबालेंगे। इसी तरीके से चम्मच की हेल्प से हम इसे मिक्स करते हुए थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी ली है, इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून वेनिला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर। इसके अंदर हम 1, 2, 3 चम्मच मैंने इसके अंदर पानी डाला है, 3 टेबल स्पून पानी डाला है। इसका हम घोल बनाएंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे, कोई लम्स ना रहे। इस तरीके से यह हमने इसका घोल बनाया है और इसी के अंदर हम ये 4 ग्लूकोबिस्किट डालेंगे। मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध से बना रही हूँ कुल्फी। आप अगर आधा लीटर दूध से बना रहे हैं तो सिर्फ 2 ग्लूकोबिस्किट डाले। इसके अंदर मैंने और 1 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। अभी हम इसे क्रीमी होने तक फेटेंगे, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। कुछ सेकंड तक मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से क्रीमी हो चुका है, दूध भी बहुत अच्छी तरह से उबल चुका है। अभी हम इसके अंदर इस मिश्रण को डाल दें और मिक्स करते जाएंगे। अब ये बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। 4-5 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह से गाढ़ा करके लिया है मीडियम फ्लेम पर। अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब ये बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। 4-5 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह से गाढ़ा करके लिया है मीडियम फ्लेम पर। अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अभी ये मिश्रण बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है तो मैं इसे मिक्सी में डाल रही हूँ ताकि इसके अंदर जो मलाई है वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से स्मूथ बैटर बना कर लिया है। मैंने यहाँ पर कुल्फी को सेट करने के लिए 1 डब्बा लिया है स्टील का और 1 कागज का भी ग्लास लिया है। इसके अंदर हम कुल्फी को सेट होने के लिए रख देंगे। इसे पूरा नहीं भरेंगे, इतना ही भर देंगे। बाकी का मिश्रण को हम इसके अंदर डाल देंगे। 6-7 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए, या तो ओवरनाइट रख देंगे। मैंने रात भर रख दिया था फ्रीज़र में सेट होने के लिए। अभी हम खोल कर देखेंगे। बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं और ग्लास के अंदर भी हमने सेट होने के लिए रख दिया। सबसे पहले हम इसे निकालेंगे। हमारी निकल चुकी है। इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस तरीके से। ये जो है दो स्टिक लगा देंगे। और फिर इसे हम कट करेंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से ये हमारी मलाई कुल्फी बनकर तैयार है। इसे भी हम डिमोल्ड करेंगे। वाओ, बहुत ही बढ़िया कुल्फी बनकर तैयार है। और इसके ऊपर हम पिस्ता से गार्निश करेंगे। आपको जैसा चाहिए वैसे आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से हमारी मलाई कुल्फी बनकर तैयार है। ठेले वाले की तरह मलाई कुल्फी बनकर तैयार है। इसे आप जरूर ट्राई करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।